देखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे हमारे पास मान लो टू डायमेंशनल ले लेते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन। तो पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होता है जो इस पी पॉइंट की पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ पी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ओ पी क्या कहलाएगा तुम्हारा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज नथिंग बट ओ पी वेक्टर। इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट, पी का मतलब है फाइनल पॉइंट। ठीक है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर पी तक जा रहा हो उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। वो उस पी की पोजीशन बता रहा है। तो वो क्या निकल के आएगा बताओ? देखो ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है x1 और ये डिस्टेंस कितना है, अरे यही मतलब होता है यार कोऑर्डिनेट्स का। तो आई कैप के डायरेक्शन में कितना है x1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x1 आई कैप प्लस y1 j कैप। ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आ गया। देखो आया क्या समझ में? तो बहुत आसान है पोजीशन वेक्टर लिखना। जो कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगा दो, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप लगा दो, z कोऑर्डिनेट के साथ k कैप लगा दो। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि वो पोजीशन बताने के काम आता है। दिस इज नॉट ए फ्री वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का पर्पज ही है किसी पॉइंट का पोजीशन बताना। ठीक है, बाकी सारे फ्री वेक्टर से ये फ्री वेक्टर नहीं है। ये इसका यूज ही किसी की पोजीशन बताने के लिए हो रहा है। ठीक है, और यहीं पर अगर बताए साथ में एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन भी हो जाए तो वो तुम्हें दिख नहीं रहा, पर वो एक जेड डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा Z1 वन के क्या। अभी मैं 3D में बना के बता दूंगा उसको। ठीक है, तो अभी के लिए क्या लिख देते हैं सीधा Z1 वन के क्या। तो एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के क्या। बहुत आसान है ये। अगला लिखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मान लो कोई P पॉइंट है और फिर कोई Q पॉइंट है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। और कोई इंसान P पे है और P से वो Q पे गया, है ना? P से कहाँ गया? Q पे गया। तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जब वो P से Q जाएगा? तो हमें क्या निकालना है? उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है यहाँ पे? पी क्यू वैक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो P से स्टार्ट होए और Q पे खत्म हो, यही होगा। देखो आ रहे क्या समझ में? तब वो कैसे निकाले? तो क्या करो, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर लिखो पहले। P का पोजीशन वेक्टर बनाओ, वो ऐसे आ जाएगा तुम्हारा। ये P का पोजीशन वेक्टर हो गया OP वेक्टर। फिर Q का पोजीशन वेक्टर बनाओ, ये OQ हो गया। और OP वेक्टर और OQ वेक्टर तो मुझे पता है। OP वेक्टर क्या होगा बताओ? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। OQ वेक्टर क्या होगा? प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो PQ वेक्टर को अपन को निकालना है। बताओ कैसे निकालें? बिल्कुल, यहाँ पे देखो कोई दो वेक्टर का सम 30, जब भी ट्रायंगल बन रहा है मतलब कोई दो वेक्टर मिलाने पे तीसरा वेक्टर बन रहा है, या फिर तीनों वेक्टर मिलकर कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन से दो ऐड हो रहे हैं बताओ? कैसे चेक करें? जो हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं ना, ये दोनों हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। तो पी क्यू, तो पी क्यू वैक्टर क्या आ गया तुम्हारा? ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। तो कर दो भाई, ओ क्यू में से ओ पी को माइनस कर दो, तो पी क्यू वैक्टर हो जाएगा। एक्स वाले में से एक्स को माइनस करते हैं तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आ गया।
बहुत ही आसान है, मतलब तुम जहां से जहां गए, यहां से यहां गए हो ना पी से क्यू, तो इस वाले में से इसको माइनस करते जाओ, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1।